तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसी बातें बताऊंगा कि जहां जहां पर ठेकेदार आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब इन बातों का आपको ध्यान रखना क्यों जरूरी है? एक तो दोस्तों आपके घर की मजबूती बिगड़ जाती है और दूसरा आपका पैसा भी वेस्ट होता है। अब दोस्तों घर बनाते हुए ठेकेदार आपको कहां कहां पर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, आज की इस वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल से। दोस्तों मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करता हूं, आज की यह वीडियो देखने के बाद आप ठेकेदार से बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं बनोगे और आपका घर मजबूत भी बनेगा और आपका पैसा भी सेफ होगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक। तो सबसे पहले आता है आपका ड्राइंग और एस्टीमेट। जी हाँ दोस्तों, घर बनाने से पहले आपको पहले ही अपनी ड्राइंग और एस्टीमेट जरूर बनवा लेना चाहिए। दोस्तों यह ड्राइंग और एस्टीमेट आप किसी सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट से बनवा सकते हैं। इससे आपको यह फायदा होगा, एक तो ठेकेदार आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आपको पहले से ही पता होगा कि आपका कितना कितना मटेरियल अप्रोक्सीमेटली लगेगा। दूसरा, आपको ड्राइंग के थ्रू यह पहले से ही पता होगा कि आपके घर का नक्शा कैसा रहेगा, आपके रूम का क्या साइज रहेगा, टॉयलेट का क्या साइज रहेगा, बेडरूम का क्या साइज रहेगा, हॉल वगैरह का क्या क्या साइज रहेगा, तो यह सब आपको पहले से ही क्लियर रहेगा। दोस्तों अगर आप 2D 3D ड्राइंग या फिर कोई एस्टीमेट बनवाना चाहते हैं तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है फुटिंग डेप्थ। दोस्तों ठेकेदार आपको यहां पर बेवकूफ बनाने की जरूर कोशिश करेगा। वे आपको बोलेगा कि आपको फुटिंग की डेप्थ 6 फीट या 7 फीट क्यों रखनी है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, आर्किटेक्ट इंजीनियर ने आपको गलत बताया। दोस्तों वे बोलेगा कि आपको 3 या 4 फीट में भी बना सकते हो, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ता और मैंने तो बहुत सारे घर बनाए हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपको ठेकेदार की इन बातों में नहीं आना, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको आर्किटेक्ट इंजीनियर ने बताया है 6 फीट तो 6 फीट या 7 फीट तो 7 फीट की ही गहराई आपको फुटिंग की रखनी है, क्योंकि फुटिंग की डेप्थ भी बहुत सारी कंडीशन को देखकर डिजाइन की जाती है, जैसे मकान का टोटल लोड कितना रहेगा, मिट्टी की सोयल बेयरिंग कैपेसिटी कैसी रहेगी, उसकी कंडीशन क्या है और साथ ही आपका फ्यूचर प्लान क्या क्या है। दोस्तों मान लीजिए आज आपने 2 मंजिला घर बनाया है, हो सकता है इन फ्यूचर आप इसको 3 मंजिल या फिर 4 मंजिल बनाना चाहते हैं, तो आपका फ्यूचर प्लान देखकर ही इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपकी फुटिंग की डेप्थ को डिजाइन करता है। तो जब भी आप फुटिंग या फाउंडेशन की खुदाई कराए तो किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से सलाह जरूर करें। थर्ड, कॉन्ट्रेक्टर आपके प्लिंथ बीम के नीचे 1 या 2 रद्दा देकर ही बीम डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको कम से कम बीम के नीचे 2 या 2.5 फीट का ब्रिक वर्क जरूर कराना चाहिए, पर कॉन्ट्रेक्टर आपको बोलता है इससे कुछ नहीं होता, सारा लोड तो बीम ही ले लेता है, लेकिन आपके घर की फ्लोरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए और मिट्टी के फोर्स को स्टेबल करने के लिए प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा, कई कॉन्ट्रेक्टर ऐसा करते हैं कि आपके सिर्फ आउटर के प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क दे देते हैं और इनर यानी कि अंदर के प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं देते, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको सभी आउटर के प्लिंथ बीम के नीचे तो ब्रिक वर्क देना ही देना है, साथ ही आपको अंदर के यानी कि इनर साइड के प्लिंथ बीम के सभी प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क जरूर कराना है। फोर्थ पॉइंट है डीपीसी। अक्सर कर दोस्तों देखा गया है कि ठेकेदार लोग डीपीसी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि डीपीसी का मकान मालिकों को भी ज्यादातर नहीं पता होता। अब डीपीसी के क्या क्या फायदे हैं यह ज्यादातर मकान मालिकों को नहीं पता होता, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डीपीसी को देना क्यों जरूरी है। डीपीसी इसलिए जरूरी है, डीपीसी आपके घर में सीलन आने से रोकता है। आपने देखा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से आपका पेंट और प्लास्टर कुछ ही सालों में झड़ने लगता है, जिसका कारण है सीलन। तो इसलिए आपको डीपीसी जरूर प्रोवाइड करवाना चाहिए। और दोस्तों डीपीसी का भी एक लेवल होता है, आपको डीपीसी ध्यान रखना है कि जहां पर आपका फिनिशिंग फ्लोर लेवल रहेगा, यानी कि जहां पर आपका फिनिशिंग फ्लोर लेवल रहेगा ठीक उससे 1 या 2 इंच ऊपर ही आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी है, इससे आपके घर में कभी भी सीलन नहीं आएगी और आपकी दीवारें सेफ बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रिक वर्क। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सभी आउटर यानी बाहरी दीवारें 9 इंच मोटाई की रखें और इनर अंदर की सभी पार्टीशन वाल 4 इंच मोटाई की रखनी है, लेकिन ठेकेदार अपना मटेरियल और लेबर खर्च बचाने के चक्कर में आपको यह सुझाव जरूर देगा कि सारा लोड तो आपका बीम और कॉलम पर ही आएगा, तो आपको बाहर की दीवारें 9 इंच देने की क्या जरूरत है, आप बाहरी दीवारें भी 4 इंच मोटाई की रखें। लेकिन आपको ठेकेदार की इस बात में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि बाहर की सभी दीवारें 4 इंच की देने से वह आपकी मौसम की मार को नहीं झेल पाती, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको आउटर की सभी दीवारें 9 इंच मोटाई की ही रखनी है। अगला पॉइंट है हमारा कॉलम लैपिंग। दोस्तों कॉलम लैपिंग सही से नहीं की जाती या गलत जगह पर कर दी जाती है, तो कॉलम में जब भी कभी लैपिंग करनी हो तो वह कभी भी छत पर नहीं करनी चाहिए। अगर आपने स्लैब और बीम का सरिया जहां पर आ रहा है वहां पर लैपिंग कर दी तो यह बहुत गलत है, क्योंकि यहां पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा रहती है, तो आपको कॉलम लैपिंग स्लैब पर बिल्कुल नहीं करनी है। आपको लैपिंग हमेशा फ्लोर और स्लैब के बीच में करनी चाहिए। जैसा कि मान लीजिए आपकी स्लैब की हाइट है 10 फीट, तो आपको जो लैपिंग करनी चाहिए वह करनी चाहिए 5 फीट के अंदर, और वह भी अल्टरनेट करनी चाहिए, पूरी लैपिंग एक ही जगह पर नहीं होनी चाहिए और जोगल भी अवश्य दे, ताकि ऊपर के सरिये से आने वाला लोड नीचे के सरिये को इजीली ट्रांसफर हो सके, इन फ्यूचर बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम न आए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्लैब थिकनेस।
दोस्तों आपको ठेकेदार कहेगा कि आपकी छत यानी कि स्लेब की थिकनेस 4 इंच भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 456 कोड यह कहता है कि अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज से छत ढलाई कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस आपकी कम से कम 5 इंच होनी चाहिए। सेम ऐसे ही अगर आप कॉमर्शियल पर्पज के लिए छत की ढलाई कर रहे हैं तो आपको इसकी थिकनेस कम से कम 6 इंच तो रखनी ही रखनी है। यह एक स्टैंडर्ड है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान जरूर रखना है और ठेकेदार की किसी भी बात में नहीं आना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्लेब स्टील। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि छत में आप 8 और 10 mm का सरिया दे सकते हो, पर ठेकेदार आपसे बोलेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप सब सरिया 8 mm का रख दीजिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप 8 और 10 mm का सरिया दे सकते हो, बस सर पे आपको मेन जो आपका बार रहेगा वह आपको 10 mm का रखना है और डिस्ट्रीब्यूशन बार आप 8 mm का दे सकते हो। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि छत में आपको मेन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बार 8 mm के तो बिल्कुल नहीं देने हैं, जो आपको ठेकेदार जरूर बोलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेयरकेस स्टील। दोस्तों अक्सर अगर आपने देखा होगा कि स्टेयरकेस की जो वेस्ट स्लेब होती है उसमें सिर्फ सिंगल जाल बांध देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों पहला तो आपको ध्यान रखना है कि आपके स्टेयरकेस स्टील में 12 mm से कम दाया का बार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपका स्टेयरकेस में ऊपर और नीचे इन दोनों जगह पर आपको L/4 तक के डबल जाल देना है, तो इन बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा कवर ब्लॉक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों घर की मजबूती के लिए कवर ब्लॉक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर अगर आपने घरों के सरिये को कुछ इस तरह से बाहर निकलकर जंग खाया हुआ देखा होगा, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कवर ब्लॉक का सही तरह से यूज न किया जाना। अगर आप कॉलम बीम या फिर स्लेब में प्रॉपर कवर ब्लॉक नहीं देंगे तो इस तरह से ही आपका सरिया बाहर निकलेगा और वह कमजोर हो जाएगा, और इससे आपके घर की छत भी कमजोर होगी, आपका घर भी कमजोर बनेगा। तो इसलिए किसी भी RCC मेंबर की कास्टिंग या ढलाई करते समय कवर ब्लॉक का प्रॉपर यूज जरूर करें। अब अगला पॉइंट है आपका डाउन बीम स्लेब बीम। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा कि आपको लटक बीम देने की क्या जरूरत है, आप पूरे घर में हिडन बीम दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अक्सर कर लटक बीम को अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें उनके लेबर और शटरिंग बहुत ज्यादा लगती है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर का खर्च ज्यादा होता है। इसलिए पूरा घर हिडन बीम में बिल्कुल न बनवाए, लटक बीम जरूर दें। और दोस्तों अगर आपके यहाँ ज्यादा बड़ा स्पान है तो वहां पर लटक बीम देना अनिवार्य होता है। ठेकेदार की बातों में बिल्कुल ना आए, आप प्रॉपर इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट की सलाह से ही जरूरत के अनुसार लटक बीम दे। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सीमेंट। अक्सर कर दोस्तों ठेकेदार आपको यहाँ जरूर बेवकूफ बनाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी RCC मेंबर्स के लिए OPC सीमेंट का ही यूज करना है। बाकी आप ब्रिकवर्क के लिए, प्लास्टर के लिए PPC सीमेंट का यूज कर सकते हो। अब दोस्तों ठेकेदार आपको PPC सीमेंट में ही RCC मेंबर को कास्टिंग करने के लिए जरूर बोलेगा, क्योंकि OPC सीमेंट PPC सीमेंट से थोड़ा महंगा होता है। इसलिए ठेकेदार यहां पर अपना पैसा बचाने के चक्कर में आपको यह सलाह जरूर देगा, जो कि आपको उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई भी RCC मेंबर है उसमें आपको OPC सीमेंट का ही यूज करना है, बाकी के बचे हुए कामों में आप PPC सीमेंट का यूज कर सकते हो। अब लास्ट में और सबसे बड़ा स्कैम है वह एक्स्ट्रा, जो कि सभी कॉन्ट्रैक्टर करने की कोशिश करते हैं। वह क्या होता है कि दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर आपसे बोलेगा कि आप छज्जा 1 फीट बढ़ा लीजिए, बालकोनी 1 फीट बढ़ा लीजिए, कुछ इस तरह की बेतुकी सलाह देगा, और जो भी उससे आपका रेट फिक्स हुआ है उसके अनुसार उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। इसलिए ठेकेदार ऐसा सलाह जरूर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप कॉन्ट्रैक्टर की इन बातों में बिल्कुल ना आए और अपनी जरूरत के अनुसार ही बालकोनी और छज्जा रखें। तो दोस्तों यह कुछ ऐसे सुझाव है जो अक्सर कर कुछ ज्यादा ही समझदार ठेकेदार आपको देकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ठेकेदारों से सावधान रहे और उनके इस तरह के गलत सुझाव के चक्कर में बिल्कुल ना आए, इससे आपका समय और पैसा ही बर्बाद होगा। दोस्तों मैं सभी ठेकेदारों के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ठेकेदार ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, वह अपना काम तरीके से करते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने घर का निर्माण कराए तो आप जरूर किसी आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर से सलाह जरूर करें, उसी की देखरेख में घर का निर्माण कराए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और दोस्तों जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और मेरी आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।